Assalamualaikum. Welcome to Nagma's Kitchen. So guys, today we are making a medless dish called Welcome to Nagma's Kitchen. So guys, today we are going to make a medless dish called Sakshuka. So guys, it's a little bit weird to hear, but guys, believe me, it's so tasty to eat. Let's see hum Sakshuka ko kaise banate hain. To chalo banane ki taraf chalte hain. Pehle humne isme 2 bade chamche oil dala hai. गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक बड़ी प्याज डालेंगे, मीडियम कटी हुई। ये प्याज मैंने ज्यादा बारीक काटी ना ज्यादा मोटी, मीडियम कटी हुई प्याज है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची जो मैंने इस तरह काटी है, देखो बीच में से इस तरह। अगर आप शिमला मिर्ची इसके बदले डालना चाहते हैं तो शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं। हम तीखे के लिए थोड़ा सा हरी मिर्ची डाले हैं। ये मिर्ची 8-9 है, 8-9 मिर्ची मैंने बीच में से काट के इसे प्याज के साथ में अच्छी तरह से हल्का लाइट ब्राउन करना है। ये फीकी वाली मिर्ची है, तीखी वाली नहीं डालना है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत कम तीखा खाते हैं। ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, ज्यादा नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे हम ये टमाटर की प्यूरी, ये 2 टमाटर है जिसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था बारीक। इसके साथ में अच्छे से भूनेंगे और साथ ही में हम ऊपर से थोड़ा किसान टमाटर केचप ऐड करेंगे। ये 2 बड़े चमचा टमाटर सॉस है। फ्लेम को हाई पे रखना है। एक चमचा चिली सॉस ऐड करेंगे, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्लेम को हाई पर ही रखना है पकने के लिए। अब टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा। डिश खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और मिडिल ईस्ट में बहुत फेमस है। आप चपाती के साथ खा सकते हैं, पाव के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। चलो फिर आप आगे देखेंगे। अब ये हमने अंडे हैं, देखिए ये 4 अंडे अब हम इसमें डालेंगे। इसको पहले अच्छी तरह से हलाएंगे। फ्लेम को मैंने धीमी आंच पे रखा है। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे, इस तरह से देखिए चारों तरफ से हमें फैलाना है, धीमी आंच पे रखना है। अंडे को साइड पे फोड़ के डालना है यहाँ पर और बिल्कुल हलाना नहीं है। बिल्कुल इसे हलाना नहीं है, हमने 4 अंडे डाल दिए हैं। अभी धीमी आंच पे ही पकेगा। हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे।
और एक चम्मच हम डालेंगे काले मिरी पाउडर ऊपर से। और इसी तरह इसे धीमे आंच पे पकने देंगे। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बिल्कुल हम हलाएंगे नहीं, इसी तरह इसे पकने देंगे। अब डालेंगे हम चीज, वो भी मोज़रेला। आधा छोटी कटोरी चीज़े चीज डालने के बाद हमें बिल्कुल नहीं हलाना है, इसी तरह पकने देना है स्लो आंच पे। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। अब इसे एक मिनट तक पकाना है। गाइस हमारी शाशो का डिश इज रेडी टू ईट, बस हमें इसे अभी प्लेट में सर्व करना है। तो मम्मा आई थिंक आप इस शाशो का को टेस्ट कर रहे हो, है ना? यस। और ये जो अंडे की जर्दी कच्चा होता है, ठीक है, तभी ये जो डिश है खाने में बहुत अच्छी लगती है, हल्का सा कच्चा होता है। कैसा है मम्मा? माशाल्लाह सचमुच बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। मिडिल ईस्ट की डिशेस सचमुच बहुत ही टेस्टी बनी है। आप जरूर एक बार बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि खाने में कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की इजाजत दीजिए। लेकिन ये जो डिश है ज्यादा तीखी नहीं होती, बहुत फीकी है, और ये नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाइए, खाइए, और बच्चों को ये डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर आपके बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, इस तरह से बनाए तो जरूर खाएंगे और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। गाइस इट सीम्स लाइक इट्स टू हार्ड टू मेक, बट गाइस सच में ये बहुत ज्यादा इजी रेसिपी है। और ऐसा लगता है देखने में कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट बिलीव मी इट्स टू इजी टू मेक एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। तो आप जरूर बनाइए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि खाने में कैसे लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए।